अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई नेम इज़ बाबर गुलाब एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर ऑफ ग्रेड 9th. टुडे वी विल डिस्कस द एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन. सो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन, चैप्टर नंबर 7, लेक्चर नंबर 7.13, द एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन. स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हमने बात की कि जो मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का, उसमें जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो 3 डिफरेंट साइकल्स में ब्रेक करता है. पहला था हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस, सीरीज ऑफ रिएक्शन, जिसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होता है इनटू पाइरूवेट और पाइरूविक एसिड. सेकेंड हमने बात की क्रब्स साइकिल की. क्रब साइकिल में हमने कहा कि इसको क्रब साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको फर्स्ट टाइम एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट सर हैंस क्रब्स ने डिस्कवर किया था. थर्ड जो हमारे पास रिएक्शन सीरीज थी उसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. हमने कहा कि ग्लूकोज का एक जो मॉलिक्यूल है इन केस ऑफ यूकेरियोट्स, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें यूकेरियोट्स हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उनके सेल में, और इनके सेल में स्पेशलाइज ऑर्गेनेली जिसको हमने कहा माइटोकॉन्ड्रिया वो प्रेजेंट होती है. इन ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इन तीनों साइकल्स में ब्रेक करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है. एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो हमने कहा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होती है. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अब हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि जो एटीपी प्रोड्यूस हो रही है टोटल कितनी हो रही है, कंज्यूम कहां पर हो रही है और किस इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल से जो है एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है. सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की. ग्लाइकोलाइसिस में जो है एटीपी प्रोड्यूस होते हैं 2. ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास जब ग्लूकोज चेंज होता है पाइरूविक एसिड में, तो यहां पर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है एटीपी की फॉर्म में उसके टोटल 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. अब हमने देखना है नेक्स्ट एसिटाइल को ए की प्रेजेंस में ये जो पाइरूविक एसिड है इसको चेंज किया जाता है, यानी को इंजाइम्स की प्रेजेंस में इसको चेंज किया जाता है एसिटाइल को ए में. इंजाइम जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो है को इंजाइम ए. अब ये पाइरूविक एसिड जो है ये नेक्स्ट साइकिल में स्टार्ट हो जाता है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, क्रब्स साइकिल. पहले इसको चेंज किया जाएगा एसिटाइल को ए में.
अब ये स्टार्ट होगा सीरीज ऑफ रिएक्शन जिसमें डिफरेंट जो है कंपाउंड्स प्रोड्यूस होंगे, उनकी स्प्लिटिंग होगी। इस सारे के सारे को हम कहते हैं क्रब्स साइकिल। अब क्रब्स साइकिल में जो है कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? ग्लाइकोलाइसिस में हमने जब कहा कि 2 ATPs प्रोड्यूस हो रहे हैं, साथ ही साथ ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में 2 NADH मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर 2 NADH भी प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो पाइरोविक एसिड से एसिटाइल को ए में कन्वर्जन है, यहाँ पर भी 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं। और क्रब्स साइकिल का जो कंप्लीट रिएक्शन की सीरीज है यानी क्रब्स साइकिल में, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास 6 NADH प्रोड्यूस होते हैं, और साथ ही साथ यहां पर 2 FADH2 भी प्रोड्यूस होते हैं। और ATP के जो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं वो है हमारे पास क्रब साइकिल के थ्रू 2 ATP। अब स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करने के लिए कि टोटल ATP कितने प्रोड्यूस हुए हैं, हम यहाँ आपको पहले बता देते हैं कि जो एक एक NADH है इससे टोटल 3 ATP प्रोड्यूस होते हैं। एक NADH का जो मॉलिक्यूल है, लाइक ये है हमारे पास NADH, ये 2 है, तो टोटल ATP यहाँ पर कितने प्रोड्यूस होंगे? 6, क्योंकि एक NADH का मॉलिक्यूल जो है वो 3 ATP प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली एक जो FADH का मॉलिक्यूल है, FADH2, ये टोटल 2 ATP प्रोड्यूस करता है। एक्चुअल में जो सेल के अंदर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई है और एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो इन दोनों मैकेनिज्म्स में होती है। एक हमारे पास एक ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा जो है वो पाइरोविक एसिड, या दूसरा जो है हमारे पास वो है क्रब साइकिल। अब थर्ड हमने देखना है, हमारे पास जो है थर्ड मैकेनिज्म वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ग्लूकोज में ये जो NADH प्रोड्यूस हुए हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू चेंज हो जाएंगे ATP में, और यहाँ से टोटल जो ATP प्रोड्यूस होंगे वो होंगे 4 ATP। स्टूडेंट्स हमने बात की थी कि NADH का एक मॉलिक्यूल जो है वो 3 ATP प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि 2 NADH से टोटल 4 ATPs प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब बाकी के जो 2 ATPs हैं वो कहाँ गए? तो उसका आंसर ये है कि जब इस पायरोविक एसिड से एसिटाइल को ए प्रोड्यूस हुआ है तो इसको सेल के साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में भेजने के लिए एनर्जी यूटिलाइज होती है, और इसकी ट्रांसपोर्ट में जो 2 यहाँ पर ATP के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं। यानी टोटल जो है 2 ATPs जो हमारी कम हुई है वो यहाँ पर जो पाइरोविक एसिड है इसको एसिटाइल को ए में चेंज करके क्रब
क्रब्स साइकिल में ट्रांसपोर्ट करने के दौरान यूज हो जाती है। हम कहते हैं 280 जो हैं टोटल वो ट्रांसपोर्ट में यूटिलाइज हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास 2NADH के मॉलिक्यूल्स हैं इनसे भी फर्दर जो ATP प्रोड्यूस होंगे वो टोटल 6 ATP होंगे, क्योंकि हमने कहा कि एक जो NADH का मॉलिक्यूल है वो टोटल 3 ATP प्रोड्यूस करता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये 6NADH, तो इससे स्टूडेंट्स कितने प्रोड्यूस होंगे? 16, 9। इससे टोटल जो ATP प्रोड्यूस होंगे वो होंगे 18, यानी एक NADH 3 प्रोड्यूस करता है तो टोटल हमारे पास कितने आए? 18 ATP। अब लास्ट पे हमारे पास बचता है ये FADH। इस FADH 2 से एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी? एक FADH का मॉलिक्यूल 2 ATP प्रोड्यूस करता है तो यहाँ पर हमारे पास कितने हैं? 2 × 2 = 4 ATP। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं। 2 ATP हमारे पास ये हैं, 4 हमारे पास यहाँ पर हैं, 2 ATP जो हैं वो यहाँ पर प्रोड्यूस हुए थे। सिक्स ATP, 18 and 4। अब टोटल जो हमारे पास स्टूडेंट्स ATP की प्रोडक्शन है वो होगी 36 ATP। अब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ब्रेक किया है तो उसमें से नेट हमारे पास जो एनर्जी बच गई है वो है 36 ATP के मॉलिक्यूल्स। ये तो हमने सारे के सारा देखा बजट यूकैरियोटिक सेल का, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें 36 ATP जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते। जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रेक करता है तो उसके रिजल्ट में जो टोटल ATP प्रोड्यूस होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली प्रोकैरियोट्स में 2 होते हैं। तो इतना बड़ा डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बिटवीन। अब ये जो 36 ATP प्रोड्यूस हुए हैं इनको यूटिलाइज कर लिया जाएगा नेक्स्ट, हम कहते हैं ग्रोथ के लिए, सेल मेंटेनेंस के लिए, फिर हमारे पास एग्जांपल है, हमने कहा था कि रिप्रोडक्शन में कि सेल ने जब डिवाइड करना होता है तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट में, सेल में डिफरेंट मटेरियल्स को अगर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए एनर्जी चाहिए। फर्दर हम देखते हैं कि ग्रोथ में जो ATP है इसको कंज्यूम किया जाता है और एनिमल्स जो हैं वो अपनी लेंथ वाइज या विड्थ वाइज जो है वो इंक्रीज होते हैं। जब एम्ब्रियो डेवलप करता है तो डेवलपमेंट के बाद जब उसकी ग्रोथ होती है तो उसमें ATP रिक्वायर होती है। फिर मेंटेनेंस के लिए कि सेल में डिफरेंट जो शेप्स हैं या कंस्ट्रक्टिव काम हैं जो जितने भी उनके लिए ATP रिक्वायर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में सेल्स ने डिवाइड करना होता है और सेल्स को डिवाइड करने के लिए अपने डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, अपने जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करना होता है, तो इन सारे कामों के लिए उसे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। फिर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें मटेरियल्स को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवाया जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स
एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ब्रेक करके 36 एटीपी जो है वो प्रोड्यूस करता है। यहाँ तक तो था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, द एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बिटवीन जो डिफरेंस है उसको देखेंगे कि किन पॉइंट्स पे, किन रेफरेंसेस में जो रेस्पिरेशन है और फोटोसिंथेसिस है इनमें डिफरेंस है, कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में वेरी करती हैं, डिफरेंट है एक दूसरे से। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने देखा कि कैसे ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है वो क्रब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से गुजरने के बाद, उसकी ब्रेकडाउन होने के बाद टोटल जो है एनर्जी एटीपी की फॉर्म में कैसे प्रोड्यूस होती है। हमने काउंट किया कि टोटल जो है 36 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के बाद। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।